हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एमआर सपोर्ट ऑटोमेशन। तो डैशबोर्ड की इस क्लास में हम बात कर रहे हैं टैबलू के ऊपर। ये टैबलू का पेन ड्राइव 3 चल रहा है। तो पिछले वीडियोज में हमने बताया कि लॉजिकल ऑपरेटर ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू, ऐसे फंक्शंस कैसे वर्क करते हैं। तो आज की हमारी सेशन में हम बात करेंगे लॉजिकल फंक्शन, और लॉजिकल फंक्शन में हम बात करेंगे इफ फॉर्मूले की। जी हाँ, इफ फॉर्मूला। इफ फॉर्मूला जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में समझाया था कि इफ का यूज होता है कि आपके जो लॉजिकल ऑपरेटर है जो ट्रू एंड फॉल्स देते हैं, उस ट्रू एंड फॉल्स को कन्वर्ट करना आपके रिजल्ट से। तो इफ फॉर्मूला न कि टैबलू या पावर बीआई, एक्सेल पे भी आपने देखा होगा, वीवी पे भी आपने देखा होगा, इफ कंडीशंस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे कि मान लीजिए मुझे जैन फेब मार्च का सबसे पहले तो टोटल निकालना है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेटेड फील्ड में आया और यहाँ पे हमने टोटल डाल दिया, टोटल। और इसमें हम जैन, याद रखिएगा जब भी हम फॉर्मूला लगाएंगे तो इक्वल यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा इक्वल का यूज नहीं करना है। अगर इक्वल यूज करते हैं तो दिक्कत होगा। जैन के बाद मार्च, और फील्ड नेम को आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए, अपने आप आता है मार्च, अप्रैल, टैब प्रेस कीजिए, अपना आप सेलेक्ट होता है। तो हमने इसको अप्लाई किया, देन हो गया, तो टोटल आ गया। मान लीजिए मुझे इसमें जस्ट इंसेंटिव देना है। इंसेंटिव जिसने मान लीजिए कि जिसने 4000 से ऊपर का सेल किया है उसको मैं 5000 इंसेंटिव, अदरवाइज मैं 1000 इंसेंटिव देना चाहता हूं। मुझे सिर्फ यहाँ पे मान लीजिए कैलकुलेट फील्ड में आया और यहाँ पे मैंने INC कर दिया, तो 4000 से ऊपर उसको हमें देना है। तो यहाँ पे अब देखिए, हम एक्सेल की तरह एक फॉर्मूला यहाँ ने लिखते हैं, यहाँ पे वीवीए की तरह एक फॉर्मूला लगाया था। वीवीए में हम यहाँ पे देते हैं कि टोटल, टोटल और टोटल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 400। मुझे यहाँ पे देन लिख के आना होगा, देन, और हमें यहाँ रिजल्ट देना है तो क्या होगा 5000, कैलकुलेशन वैलिड, ठीक है। तो इस तरह से एक लाइन में हमने लिख दिया। आप यहां देखिए कि आपका 5000 यहां दिख रहा है, 5000 दिख रहा है। इसमें हमने एल्स का पार्ट नहीं दिया है, मतलब कि अगर 4000 ना हो तो क्या हो। तो आपको इसमें देना है कि अगर 4000 नहीं हो तो 1000 सो हो, देन हमें क्या करना होगा, सेम वीवी की तरह यहां एंटर प्रेस करके यहां पे हमें एल्स लिखना होगा, एल्स, और एल्स यहां 1000 देना होगा, कैलकुलेशन वैलिड, देन अप्लाई कीजिए, यहां पे आपके 1000 आ गए। अब मान लीजिए 1000 यहाँ पे आ गए। अब मान लीजिए कि हमें यहाँ पे ग्रेटर देन 50 है, हमारा 40 है, और मुझे ये भी चेक करना है कि ग्रेटर देन 40 होना चाहिए और जनवरी में ग्रेटर देन 50, मतलब 400 से ऊपर हम देंगे लेकिन जनवरी महीने में भी आपका जो सेल है वो जनवरी महीने में भी आपका सेल 50 से ऊपर होना चाहिए, तब आपको 5000 मिलेगा। तो यहाँ पे मैं एक और इफ का इस्तेमाल करेंगे कि And is greater than 50 या greater than equal 50, then हम यहाँ पे देंगे 5000, otherwise 1000, और फिर यहाँ पे हम and if कर देते हैं, and करना है, मान लीजिएगा भेजिए के तरह and if नहीं करना है, regulation valid apply कीजिए। तो यहाँ पे
400 से ऊपर होगा और जनवरी में 50 होगा उसी को यहाँ पे 1000 देगा। तो हमने क्या किया, इसमें हमने एक इफ के साथ एक और इफ को इस तरह से मर्ज कर दिया। लेकिन इसको ऐसा करने की जरूरत होता नहीं होगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए करने की जरूरत कब पड़ता, जब मैं 1000 के जगह पे मैं बोलता कि 2500 आपको देना है, तो क्योंकि हमें दो रिजल्ट है, 1000 else के रिजल्ट है हमें, तो हमें इस तरह से if के अंदर if देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम यहीं पे and का कमांड लगा देंगे कि and यहाँ पे Jan is greater than 50, इस and हटा दीजिए, then 5000 otherwise 1000। आपके पास दो कंडीशन है यहीं पे और एंड, तीन चार, इसी तरह से एंड को आगे कंटिन्यूस आप लेते जा सकते हैं। जैसे मुझे ये भी पता करना है कि मार्च में भी आपका होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एंड मार्च इज ग्रेटर देन 50 यहाँ पे देन लिखना है। कैलकुलेशन वैल्यू दिख गया आपको यहाँ पे, जबकि फॉर्मूला सही है, यहाँ पे अप्लाई। इस हमने इसका यूज किया, तभी हमने आपके इफ को इफ और एंड के बारे में समझाया, और इफ में हमने कैसे दूसरा इफ लगाएंगे इसके बारे में सिखाया है। तो आप इस पे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अगली वीडियो में हम थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड इफ की तरफ बढ़ेंगे और बताएंगे कि किस तरह से कॉम्प्लिकेटेड इफ को ट्रिगर किया जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए मुझे कॉल कीजिएगा। आपको एक्सेल, VBA, आउटलुक और MS ऑफिस, टैबलू, पावर BI, डैशबोर्ड, ऐसे सॉफ्टवेयर को सीखना है प्रोफेशनल तरीके से, तो मुझे आप कॉल कीजिए। हम ऑनलाइन क्लास लाइव इंटरेक्टिव देते हैं जूम ऐप के थ्रू या फिर हमारी पेन ड्राइव होती है, तो फटाफट मुझे कॉल कीजिए।